defense aspirants. Myself, Shashwat Dwivedi, going to give some tips for clearing NDA written examination. So as it is said that one should always be a vector, not a scalar. आपको knowledge तो है, लेकिन अगर आपकी दिशा सही नहीं है तो शायद आपको किसी भी exam को clear करने में struggle करना पड़ सकता है. आपको magnitude के साथ direction होना बहुत ज़्यादा important होता है. तो अगर बात करें हम UPSC के NDA written examination की, तो जो साल में दो बार conduct किया जाता है वो अप्रैल में और एक बार सितंबर में. तो जैसा कि इसके में दो एग्ज़ाम कराए जाते हैं, एक 10 बजे से जो होता है वो हमारा मैथ्स का एग्ज़ाम जिसमें 120 क्वेश्चंस आते हैं, इस क्वेश्चन ऑफ 2.5 मार्क्स एंड टोटल मार्क्स 300. उसी तरीके से GAT का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें हमारे 150 क्वेश्चंस आते हैं, इस क्वेश्चन ऑफ 400 मार्क्स एंड टोटल 600 मार्क्स. सो इस तरीके से हमारा पूरा पेपर जो NDA का होता है वो 900 मार्क्स का हो जाता है. तो अगर हम बात करें UPSC के किसी भी एग्ज़ाम की, तो आपको पता है कि UPSC का कोई भी एग्ज़ाम विदाउट स्ट्रेटजी क्लियर नहीं किया जा सकता. सो जो बिगनर हैं, जो प्रिपरेशन कर भी रहे हैं, उनके साथ मैं खुद अपनी पर्सनल स्ट्रेटजी डिस्कस करने जा रहा हूं, जिससे कि आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके या वो आपके क्वालिफाई करने में आपकी हेल्प कर सके. तो अगर हम बात करें, सबसे पहले बात करते हैं मैथ्स की. जो हमारा पेपर वन होता है वो मैथ्स का ही होता है. तो मैथ्स में पहले तो मैं आपको बुक जो सजेस्ट करना चाहूँगा, RS अग्रवाल बुक, जो आई थिंक फॉर NDA इट इज़ द बेस्ट. और जैसे कि मैंने 3 times क्लियर किया है NDA का एग्जामिनेशन, तो आप अगर RS अग्रवाल की बुक से प्रिपरेशन करते हो तो आप पाओगे कि आप एक तो उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी सफिशियंट हैं. कई सारी बुक्स हैं जहां पे आपको एक चैप्टर में ही 300-300 क्वेश्चंस मिल जाते हैं. आपके पास बहुत सारा, अगर आप इंटरनेट पे जाते हो या आप किसी भी शॉप में जाते हो, तो आपके पास जो है रिसोर्सेज तो बहुत हैं, आपके पास बुक सफिशियंट हैं. बट क्वेश्चन ही होता है अब हम किस बुक से पढ़ें. तो आपको कोई भी एक बुक डिसाइड करनी है. मैं नहीं कहता आप RS अग्रवाल से ही पढ़ो. आपको कोई बुक लगती है कि फॉर यू दैट बुक इज परफेक्ट, तो आप उस बुक से ही अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो. बट मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कोशिश करो कि एक बुक से पहले पूरा प्रिपेयर कर लो, उसके बाद ही दूसरी बुक को टच करो. होता क्या है कि हम कुछ इस बुक से पढ़ते हैं, कुछ उस बुक से पढ़ते हैं, फिर हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये नहीं वो अच्छा है, ये नहीं वो अच्छा है. तो ऐसा आपको नहीं करना है. आप कोई भी एक बुक ले लो NDA के लिए और आप उसको पूरी बुक को अच्छे से ख़त्म कर लो, उसके बाद आप दूसरी बुक्स ले सकते हो. अब उसके बाद अगर हम बात करें, फिर आपके लिए NDA में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कुछ होता है तो होता है सिलेक्शन. आप जब एग्जामिनेशन हॉल में इंटर करते हो तो आपके ऊपर एक तो स्ट्रेस ऐसा ही होता है दैट यू आर सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हॉल. और ऐसे जैसे कहा जाता है, व्हेन यू आर सिटिंग इन एन एग्जामिनेशन हॉल देन यू आर इन द रूम एंड योर माइंड इज जस्ट आउट ऑफ द हॉल. तो ऐसे तो ये फेमस ही है कहने में. तो आपको क्या करना है वहाँ पे, जब पहले तो आप कोशिश करो कि आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करो जो आपको अच्छे से कर सको, जो ज़्यादा टाइम टेकिंग ना हो. फिर हम फिर से लौटते हैं अपने एग्ज़ाम पे, अपने सिलेबस पे. तो आपने जैसे कि आपको पता है कि एलजेब्रा, कैलकुलस, 3D, 2D इस तरीके से हमारा पूरा डिवीज़न है मैथ्स का. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है एलजेब्रा से आपके अराउंड 50 क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं. और अगर NDA की बात करें तो इसकी कट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 25% और 30% जाती है, जिसका मतलब कि 75 मार्क्स और 100 और 90 मार्क्स. तो आप पाते हो कि अगर आप 300 में 90 या 75 नंबर भी ले आते हो तो आप एक मैथ्स का कट ऑफ क्लियर कर लोगे. तो उन बच्चों के लिए जिनकी मैथ्स ज़्यादा वीक है, वो क्या कर सकते हैं, वो एनालाइज करें चैप्टर्स जिनमें कि आपको लगता है कि ये चैप्टर्स हमारे स्ट्रॉन्ग हैं और जिनसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उन चैप्टर को आप पहले कवर करें. और आप उन चैप्टर्स को कवर करेंगे तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ट्रिग्नोमेट्री ही है, ट्रिग्नोमेट्री ऑल और आपके 25 क्वेश्चंस तक कर अपने में इवेल्यूएट कर लेती है. तो आप अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से प्रिपेयर कर लें, आप अगर 2D 3D अच्छे से प्रिपेयर कर लें, कैलकुलस में अगर आप वेक्टर अलजेब्रा कर लें, इंटीग्रेशन, तो कुछ चैप्टर और ये चैप्टर्स अगर आप प्रिपेयर कर लोगे तो आप पाते हो कि आप मेजर पोर्शन मैथ्स का आप कवर कर लेते हो. तो मेरा जो पर्सनल सजेशन यही होगा आपको कि अगर आपकी मैथ्स वीक है तो आप वो चैप्टर्स पहले आइडेंटिफाई करो जिनके बारे में आपको लगता है मैं इन्हें कर सकता हूँ, और उनको आप पहले प्रिपेयर करो. बाद में आप बचे हुए चैप्टर्स को भी प्रिपेयर कर सकते हो. उसके बाद आप कुछ चैप्टर्स को छोड़ भी सकते हो. आपको पता है कि मतलब मैथ्स में कुछ चैप्टर सबके वीक होते हैं, तो आपको जरूरी नहीं है कि NDA में आपको 120 क्वेश्चंस ही करने हैं तभी आप जाके कट ऑफ क्लियर कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है. आपको अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप अगर 45 to 50 क्वेश्चंस करेक्ट करते हैं तो आप आसानी से NDA का
रिटर्न एग्जाम मैथ्स का क्लियर कर देते हो। तो आप अगर 50 क्वेश्चंस की केवल 45 क्वेश्चंस की मैं बात करूँ तो केवल अलजेब्रा ही कंप्राइज कर लेते हैं। तो आप ये देखते हो कि अगर आप कोई एक पोर्शन अच्छे से कवर कर लेते हो तो आप एक एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करने के लिए रेडी हो जाते हो। तो मेरा सबसे पहले जो मेरी पहली एडवाइस यही होगी कि आप अपने स्ट्रॉन्ग जोन्स देखिए कि आपका कैलकुलस स्ट्रॉन्ग है या आपका ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग है, आप उसको और अच्छे से कवर कर लिए। उसके बाद वो तो आपका स्ट्रॉन्ग है ही है, उसके बाद अपने वीक जोन्स को देखिए, ये मेरे वीक हैं तो आप उनको भी थोड़ा सा कवर कर सकते हो और उन पर भी टाइम दो। बट एट द जब आप एग्जाम में जाओ तो आप सबसे पहले वही क्वेश्चंस करो जो आपको लगता है कि मैं इनको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकता हूं। आपको एग्जाम हॉल में कभी भी ये नहीं सोचना है कि अरे यार ये क्वेश्चन मुझे क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि एनडीए में आपका अल्टीमेट जो वो गोल वो यही है कि आपको रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई करना है। आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन का आप अटेम्प्ट ना करने से आपको कुछ नहीं होगा। मेरा एक फ्रेंड था, उसने क्या यही किया था, ही वॉज जस्ट गॉट इंडल्स इन ओनली 2 or 3 क्वेश्चंस और उसने अपना आधा से एक घंटा समय उसी में बर्बाद कर दिया। क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कैलकुलेशन बहुत लंबा होता है, आपको आइडेंटिफाई करना है आपके वो क्वेश्चन छोड़ देने हैं। आप अगर उन क्वेश्चन को छोड़ देते हो तो आप अपना टाइम बचाते हो। इसीलिए सबसे पहले आपका गोल यही होना चाहिए कि हमें 50-60 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन सबसे पहले हमें अटेम्प्ट कर लेने हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहे हैं उन क्वेश्चन पे हम जाएंगे। कभी भी क्या होता है कि आपको जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस होते हैं आपके पेपर में टफ दिए होते हैं, मींस लेंथी क्वेश्चंस दिए होते हैं, लास्ट में आपके कई सारे इजी क्वेश्चंस होते हैं और जब तक हम लास्ट में पहुंचते हैं हमारे पास टाइम कम होता है तो क्वेश्चंस हम इजी छोड़ देते हैं। तो आपको जब आपको पेपर मिलता है तो सबसे पहले आपको यही एनालाइज करना है कि कहाँ पे कौन से क्वेश्चंस दिए हैं। आप लास्ट से भी पेपर एग्जाम स्टार्ट कर सकते हो और आप स्टार्टिंग से भी स्टार्ट कर सकते हो, ये आपका पर्सनल एनालिसिस होगा। तो इस तरीके से मैथ्स में आपकी स्ट्रेटजी ये हो सकती है। उसके बाद अगर हम GAT की बात करें जिसमें 600 मार्क्स का पेपर होता है, 50 क्वेश्चंस होते हैं आपके इंग्लिश के जो 200 मार्क्स कंप्राइज करते हैं, तो इंग्लिश जो कि अगर देखा जाए तो ये सब बहुत बड़ा अच्छा चांस होता है किसी के लिए अच्छे से अटेम्प्ट करने, अगर आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट करते हैं तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं GAT में। तो अगर इंग्लिश की प्रिपरेशन स्ट्रेटजी की मैं बात करूं तो इंग्लिश में आप देखते हो कि आपके जो बेसिक्स क्वेश्चंस होते हैं वो जंबल्ड सेंटेंसेस, स्पॉटिंग द एरर्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, पैसेजेस, तो आप देखते हो अगर आप इंटेलेक्ट के अकॉर्डिंग अपने क्वेश्चंस आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो अगर सबसे पहले मैं बात करूं आपका, तो आपको सबसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करने हैं इंग्लिश में, लाइक द टेंस, लाइक द वॉइस, स्पीच, ये आपको सबसे पहले अपने क्लियर करने हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपकी ये चीज़ें क्लियर हैं तो आप बेसिक्स, आपको पता है कि यार ये टेंस है, मतलब यहाँ पे गलतियाँ हो सकती हैं, ये सारी चीज़ें, फिर आप कुछ एडवांस पढ़ सकते हो। अगर आपका ये बेस ही कमज़ोर होगा, आपको टेंस के बारे में अच्छे से नॉलेज नहीं है, आपको वॉइस के बारे में नहीं पता है, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आते हैं, तो आपका वो जो बेस होता है, जो प्लेटफॉर्म होता है, वही वीक हो जाता है। तो आप इतना सब अगर आप प्रिपेयर कर चुके हैं तो उसके बाद मैं एक बुक आपको सजेस्ट करता हूँ, जैसे 12th की UP बोर्ड में एक बुक चलती है, उसमें एक चैप्टर दिया है सिंटैक्स। अगर वो चैप्टर, मैं आपको रियलिटी बताना चाहता हूँ, अगर आप वो चैप्टर अच्छे से पढ़ लेते हो, उसमें पार्ट ऑफ स्पीच का भी अच्छे से दिया गया है, तो आप एक अच्छा सा एक्सपोजर आपको मिल जाता है जो आपके एरर्स के क्वेश्चंस आते हैं या कभी कभी आपके फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन आते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करने वाले, तो उससे आप एक अच्छा सा जान जाते हो कि यार ये, क्योंकि ये 20 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली इस तरीके से आ जाते हैं स्पॉटिंग द एरर्स, फिल इन द ब्लैंक्स करके, तो आप उससे कर सकते हो, आप उससे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। उसके बाद अगर हम आ जाएं अपने एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पे, जो काफ़ी चैलेंजिंग होता है, अप्रॉक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस आते हैं हमारे एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स के, तो इसके लिए सबसे पहले मैं 3 चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ, स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश एंड स्टार्टिंग वॉचिंग इन इंग्लिश। स्टार्ट वॉचिंग इन इंग्लिश, स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश, स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, आप खुद को इंग्लिश के एटमॉस्फेयर में रखना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि होता है कि जब आप चीज़ों को देखते हो इंग्लिश में ही देखते हो, सपोज आपने कोई वर्ड देखा तो आपको, सॉरी, आपने कोई वर्ड सुना या आपने कोई वर्ड देखा तो आपके दिमाग में तुरंत आया यार इस वर्ड का हिंदी क्या होगा। इस तरीके से आप अपने वोकैब पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करते जाते हो। आप जब चीज़ों को इंग्लिश में सुनते हो, न्यूज़ वगैरह आप देखते हो, तो आप वर्ड सुनते हो, तो अगर आप इतने आप अटेंटिव हो तो आप तुरंत देखते हो अरे यार ये इस वर्ड का इंग्लिश क्या होगा। इस तरीके से आप अपना वोकैब ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग करने लगते हो। और जब आप स्पीकिंग की कोशिश करते हो इंग्लिश स्पीक करने की, आप कम्युनिकेशन, इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इंप्रूव होती हैं, एज वेल एज आपका एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का भी पार्ट इंप्रूव होता जाता है। जितना जितना कोशिश हो सके आप इंग्लिश पढ़ना भी स्टार्ट करिए, क्योंकि इंग्लिश पढ़ने से कई सारे हमें नए वर्ड्स मिलते हैं और जिससे हम अपना वोकैब सेक्शन को काफी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो और मैं एक अच्छा आइडिया आपको दे सकता हूं, लाइक जब हम हिंदी मूवीज वॉच करते हैं,
तो उस समय भी हम उन डायलॉग्स को ट्राई कर सकते हैं इंग्लिश में कन्वर्ट करने का। उससे दो फायदे होते हैं, उस हिंदी की इंग्लिश हमें पता चलती है और दूसरी बात यह होती है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव होती है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। और आपको इंग्लिश के एग्जाम में आप देखोगे एंटोनिम्स सिनोनिम्स, क्योंकि वो सेंटेंस फॉर्म में होते हैं, तो अगर आप उस सेंटेंस की हिंदी अच्छे से निकाल लेते हो तो आप अच्छे से उसका ऑप्शंस भी गेस कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी हैबिट डेवलप कर लीजिए इंग्लिश में पढ़ने की, इंग्लिश में सुनने की और इंग्लिश में सोचने की। देन यू विल बी एबल टू क्लियर द इंग्लिश एग्जाम वेरी वेल। होता क्या है कि अगर आप 50 में इंग्लिश में इतना ज़्यादा टफ नहीं होता कुछ, अगर आप 35 क्वेश्चन सोचो अटेम्प्ट कर लेते हो देन यू आर गेटिंग आई थिंक 140 मार्क्स, तो ये काफ़ी अच्छा हो जाता है अगर क्योंकि आप ज़्यादा सिलेबस भी नहीं है और अगर आप अच्छा स्ट्रेटेजी अपनाते हो तो आप अच्छे से इंग्लिश को क्लियर कर लेते हो। इसके बाद अगर हम बात करें कि उससे पहले मैं बताना चाहूँगा जीएटी के लिए भी अगर आप 25 हाँ और इंग्लिश की और जीएटी के पार्ट बी की, जैसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इन दोनों की कट ऑफ्स अलग होती हैं। तो सबसे पहले कि तो आपको ये अपने दिमाग में रखना है कि मुझे इंग्लिश की भी कट ऑफ क्लियर करनी है और मुझे पार्ट बी की भी कट ऑफ क्लियर करनी है, जैसा कि मुझे लगता है शायद ऐसा होता है। उसके बाद आपको क्या करना है फिर, और जीएटी की अगर ओवरऑल कट ऑफ देखें 25% तो भी बहुत ही कम होती है, तो वो कट ऑफ क्लियर करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। हमें मेन होता है चैलेंजिंग फाइनल कट ऑफ क्लियर करना। तो अब अगर आप जीएटी में देखो आप इंग्लिश और प्लस अगर जीएटी पार्ट भी कंप्राइज कर लो दोनों को, तो अगर आप 60-65 क्वेश्चंस करेक्ट कर लेते हो, मान लिया आपने 60 क्वेश्चंस करेक्ट कर लिए जीएटी में, तो आपके 240 मार्क्स हो जाते हैं इधर। और अगर आप उधर क्लियर कर लेते हो अप्रॉक्सीमेटली 60 क्वेश्चंस, अगर आप मैथ में कर लेते हो 55 क्वेश्चंस कर लेते हो 50 क्वेश्चंस कर लेते हो, तो इस तरीके से आप देखोगे आपके मार्क्स अच्छे बनते हैं, आप 360-370 तक पहुंच जाते हो। तो अगर आप कोशिश करो कि जीएटी में आप जो है 240 या 260 तक मार्क्स लाओ और आप मैथ्स में 120-130 तक ले आओ, तो इससे आपका क्या होगा आपकी फाइनल मेरिट में भी रिकमेंड होने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपके मार्क्स अगर 380 प्लस हैं 370 प्लस हैं देन नो वन कैन स्टॉप यू टू गेट इन टू द एनडीए। तो अब मैं अगर जीएटी के पार्ट बी की बात करूँ जो कि स्टार्ट होता है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स और ये आपका करंट अफेयर्स, तो आप देखते हो कि बहुत वाइड सेक्शन है पार्ट बी में। तो आपको पता है कि यूपीएससी की हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स ये सब एक साथ पढ़ना काफ़ी टफ हो जाता है। और यही होता है क्या है कि जैसे मेरा भी फर्स्ट टाइम एनडीए क्लियर नहीं हुआ था, तो इसी वजह से नहीं हुआ था। मैंने क्या किया था, मैं हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स सब पढ़ने की कोशिश कर रहा था और इसी वजह से मैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में भी अच्छा नहीं कर पाया। अब मैं अगर आप डिवीजन की बात करूँ तो आप देखते हो फिजिक्स के अप्रॉक्सीमेटली 20-25 क्वेश्चन आ जाते हैं, केमिस्ट्री के अप्रॉक्सीमेटली 15 क्वेश्चन आते हैं, बायोलॉजी के अप्रॉक्सीमेटली 10-12 क्वेश्चन आते हैं। इस तरीके आप देखते हो कि 50+ क्वेश्चन हमारे साइंस से आ जाते हैं हर साल। तो अगर आपका बैकग्राउंड साइंस, आपने अगर 12th में पीसीएम लिया है, तो आपको इतनी ज़्यादा फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होने वाली है। हाँ, आपको आप बायो पढ़ सकते हो, ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है, मैं उसको आगे डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले आप फिजिक्स पे आओ। तो अब फिजिक्स कहाँ से प्रिपेयर करें एनडीए के लिए, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास 11th और 12th की बुक्स रखी हैं देन दोज आर द बेस्ट सोर्स टू प्रिपेयर फॉर द एनडीए एज वेल एज एयरफोर्स एक्स ग्रुप नेवी डबल ए एसएसआर, क्योंकि मैंने तीनों एग्जाम क्वालिफाई किए हैं और मेरे फिजिक्स में हमेशा मार्क्स अच्छे ही आते हैं। तो फिजिक्स के लिए मैं आपको कोई सेपरेट बुक नहीं सजेस्ट करूंगा, मैं ये कहना चाहता हूं कि आप अगर 11th और 12th की बुक, क्योंकि आजकल क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा ही पूछे जाते हैं, तो आपको 11th और 12th बुक की बुक से अच्छा कॉन्सेप्ट कहीं पे भी नहीं मिल सकता है। तो आप 11th और 12th की बुक से कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़िए। अब होता है क्या है कि 11th 12th में कोर्स थोड़ा सा वाइड होता है क्योंकि डेरिवेशंस ज़्यादा होते हैं, तो आपको डेरिवेशंस नहीं पढ़ने हैं, आपको उनकी रिजल्ट्स देखने हैं, आपको कॉन्सेप्ट्स देखने हैं। इससे आप खुद पाओगे कि आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे फिजिक्स में। तो इट इज़ बेटर टू प्रिपेयर विद 11th और 12th बुक फॉर योर फिजिक्स सेक्शन। अब हम बात करें अगर केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में 15 क्वेश्चंस आते हैं, अगर आप 10th तक भी कर लेते हो तो यू आर गेटिंग 40 मार्क्स ऑन द केमिस्ट्री इटसेल्फ। तो अगर केमिस्ट्री के लिए मैं आपको पाथ फाइंडर रिकमेंड करूंगा जिससे मैंने प्रिपरेशन की थी। तो आप 10-11 चैप्टर्स हैं उसमें पाथ फाइंडर में, यू कैन सी इट। और उससे अगर आप केमिस्ट्री अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो तो मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि आप अच्छे से केमिस्ट्री को डील कर सकोगे एग्जाम में। अब उसके बाद हम आते हैं, अब हमारा सेक्शन बसता है हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी पॉलिटी और ये आपका बायोलॉजी।
आप देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आप बायोलॉजी को ऑप्ट कर सकते हो, बिकॉज अप्रॉक्सिमेटली 8 to 10 क्वेश्चंस आर आस्क्ड और बहुत इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि हम 10th में बायोलॉजी छोड़ देते हैं तो हम बायोलॉजी में वीक होते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको चैप्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं, जैसे सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर, ह्यूमन स्ट्रक्चर, और उसके बाद आपकी फाइलम वगैरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं और हेल्थ एंड डिजीजेस से। तो ये कुछ 4 से 5 चैप्टर्स हैं, अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप पाओगे कि आप बायोलॉजी को भी अच्छे से डील कर सकते हो। अगर आप 10 में 6-5 क्वेश्चंस भी कर रहे हो तो यू कैन सी दैट यू आर गेटिंग 20 मार्क्स, और आपको 4 से 5 चैप्टर्स ही पढ़ने हैं। तो आपको खुद देखना है कि किस चैप्टर से, आपको प्रीवियस ईयर एनालाइज करना है कि किस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, आप उसी चैप्टर को पढ़ो और आप पाओगे कि वैसे ही आपको मिलेगा। फिर अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ, इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस हो गए, 50 क्वेश्चंस आपके हो गए साइंस के, तो आप पाओगे कि 100 क्वेश्चंस तो यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। तो 100 क्वेश्चन में अगर आप 60 भी, आप 65 भी, 70 तक अगर सही कर दोगे तो बहुत है, आप इजिली कट ऑफ क्लियर कर रहे हो। अगर 280 नंबर आपके आ रहे हैं जीएटी में और आप उधर 120-130 नंबर इधर आ रहे हो, 400 नंबर आप ऑलरेडी बना रहे हो अगर आप जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो केवल फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बट होता क्या है कि हम सारे क्वेश्चंस नहीं कर सकते। फिजिक्स में भी अगर आप बहुत ज़्यादा ही पढ़ लोगे तो 25 में आप बहुत अच्छा करोगे, 18-20 क्वेश्चंस कर लोगे। तो आपके लिए एक हम कह सकते हैं दैट्स द प्लान बी। अब आपको क्या करना है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी और पॉलिटी। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये अराउंड मिला के आई थिंक 30-35 क्वेश्चंस कवर कर लेते हैं। तो आपको अब इसमें देखना है कि मेरा इंटरेस्ट किस जगह पे है। अगर आपको लगता है कि आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है बिकॉज यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड इट इन योर 11th and 12th क्लास। अब अगर बात करूँ मैं आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी में, आपको देखना है आपका इंटरेस्ट किस सब्जेक्ट में है। अगर आपको लगता है कि आपका ज्योग्राफी में इंटरेस्ट अच्छा है तो आप ज्योग्राफी चुन लो, अगर आपको लगता है आपका हिस्ट्री में इंटरेस्ट अच्छा है तो आप हिस्ट्री चुन लो। दोनों से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लास्ट ईयर्स में ज्योग्राफी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, हिस्ट्री से भी अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब मैं अगर हिस्ट्री की पहले बात करूँ तो हिस्ट्री में आप जानते हो मॉडर्न हिस्ट्री से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप देख सकते हो आपको एंशियंट हिस्ट्री, आपको मेडिवल हिस्ट्री आपको नहीं पढ़ने की जरूरत है अगर आपको हिस्ट्री इतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी प्रिपेयर्ड है, देन यू आर सेफ। अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे तो आप अच्छे से अटेंड भी कर लोगे। उसके बाद अगर लेकिन आप और अच्छा करने के लिए आप हिस्ट्री के मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकते हो, जिससे आप 7-8 क्वेश्चंस आते हैं आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हो, अच्छे से उसमें परफॉर्म कर सकते हो। उसके बाद अगर ज्योग्राफी की हम बात करें, जो लोग ज्योग्राफी में इंटरेस्टेड हैं तो ज्योग्राफी के लिए आप अगर देखोगे कि कई क्वेश्चंस एक यूपीएससी के फिक्स टाइम से चल रहे हैं, अक्सर जो पूछे जाते हैं लाइक रिवर्स से, लाइक आइलैंड से, लाइक हिमालय माउंटेन से, लाइक ये आपकी करंट्स पूछी जाती हैं, विंटर करंट, कोल्ड करंट्स, वार्म करंट्स, तो इस तरीके के क्वेश्चंस ग्रासलैंड्स की मैचिंग करने के लिए। तो ये आप खुद एनालाइज कर सकते हो कि कौन सी चीज़ें हर साल लगभग पूछी जा रही हैं, बिकॉज 4 मार्क्स मैटर्स अ लॉट, है ना। तो आपके अगर कट ऑफ आपकी 326 है और आपके 325 है मार्क्स, तो आप क्लियर नहीं कर पाओगे एनडीए का रिटन एग्जाम, इसलिए आपका एक एक क्वेश्चन अच्छे से मैटर करता है। तो आप इसी तरीके से एनालाइज कर लीजिए प्रीवियस ईयर्स में, और आप चैप्टर्स को फाइंड करने की कोशिश कीजिए जिन टॉपिक्स से, जिन चैप्टर्स से ज़्यादा क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं, जिनसे एक या एक दो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप उन्हें स्किप कर सकते हैं। आप ये मत सोचिए कि मुझे सब पढ़ना है, और ये मैं बहुत ही कम बच्चे होते हैं जो सब कुछ पढ़ पाते हैं, इसलिए आप कोशिश कीजिए। आपका अल्टीमेट एम ये है कि आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है, ना कि ये कि आपको सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। इसके बाद पॉलिटी में अगर आ जाए हम, तो पॉलिटी में भी 7-8 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होते हैं, आप उनको ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हो। तो पॉलिटी के पढ़ने के लिए आप कोई भी अच्छी बुक रेफर कर सकते हो, ऑनलाइन लेक्चर रेफर कर सकते हो, पाथफाइंडर में भी अच्छे से दिया है, आप उससे पढ़ लो। और अगर आप चाहो तो ये सेक्शन छोड़ भी सकते हो, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, अप्रॉक्सीमेटली 7-8 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं, तो करंट अफेयर्स के लिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आप डेली न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हो, या आप यूट्यूब से किसी भी चैनल का एनालिसिस देख रहे हो, हिंदू न्यूज़पेपर का या किसी भी न्यूज़पेपर का, और आप लास्ट 6 मंथ से आप बना रहे हो नोट्स, आप अगर वही पढ़ के चले जाते हो तो आई एम श्योर दैट यू विल डेफिनेटली गेट क्वेश्चंस फ्रॉम योर दैट नोटबुक। तो आप करंट अफेयर्स के लिए ये कर सकते हो। अल्टीमेटली मैं जो पूरा जीएटी के लिए कहना चाहता हूँ कि आप लोग ये मत सोचो कि मुझे ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, आपको ये सोचना है कि कौन से क्वेश्चन मुझे अच्छे से आ रहे हैं और कौन से क्वेश्चंस मैं अटेम्प्ट कर सकता हूँ, जिन पे आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है। आप इंटेलिजेंट गेस लगाइए। आप किसी भी क्वेश्चन में ओमिशन रूल लगा सकते हैं कि मान लिया किसी कोई कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनका हमें आंसर नहीं पता होता, लेकिन 3 ऑप्शन ऐसे होते हैं जिनमें हमें पता होता है ये 3 ऑप्शन तो पक्का ही गलत हैं, तो आप 4th ऑप्शन में करेक्ट मार सकते हो। तो ओवरऑल आपको ये नहीं देखना है कि मुझे अटेम्प्ट कितने मैंने क्वेश्चंस किए, आपको ये देखना है मैं कितने करेक्ट कर रहा हूँ।
क्योंकि जब मेरा फर्स्ट टाइम क्वालिफाई नहीं हुआ था मैंने सेम मिस्टेक किया था, मेरे 62 क्वेश्चंस करेक्ट हो चुके थे, बट मैंने सोचा यार अभी तो मैंने 70 ही अटेम्प्ट किए, 70 में मैंने 62 करेक्ट थे, मैंने क्या किया मैंने 30-35 और अटेम्प्ट कर दिए, उसके बाद मेरे वो सारे क्वेश्चंस अप्रॉक्सीमेटली गलत हो गए, जिससे मैं पहली बार में मैं इंडियन रिटन क्वालिफाई नहीं कर पाया था। तो आप कोशिश करो, आपको 80 क्वेश्चंस तक हो सकता है, तो आप अटेम्प्ट करो अच्छे से और उसमें कोशिश करो जितना करो सही करो, क्योंकि निगेटिव मार्किंग काफ़ी है, 1.33 नंबर्स की निगेटिव मार्किंग है आपकी GAT में और 0.83 मार्क्स की मार्किंग निगेटिव मार्किंग है आपकी मैथ्स में। तो अगर आप ओवरऑल देखो तो अगर आप स्ट्रेटेजी आपकी सही है तो आप अगर क्योंकि NDA के लिए आप मैथ्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, तो आप एयरफोर्स हो चाहे नेवी डबल ए हो आप अच्छे से उसको भी क्वालिफाई कर सकते हो। तो आपको ओवरऑल हाँ और आपके लिए प्रीवियस ईयर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब आप NDA की प्रिपरेशन करते हैं। आप जल्दी से जल्दी अपनी पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद आप प्रीवियस ईयर पढ़िए, आप एंटोनिम्स सिनोनिम्स पाएंगे प्रीवियस ईयर। अगर आपने अच्छे से प्रीवियस ईयर पढ़े हैं विद इन ऑप्शंस तो आप कई बार पाओगे कि आपके रिपीटेड हो जाते हैं। और मैं बता दूं आप अगर सिंटैक्स सॉरी अगर आप स्पॉटिंग एरर्स की अच्छे से प्रिपरेशन करते हो प्रीवियस ईयर से तो आप पाओगे आपके स्पॉटिंग एरर्स भी 6 out of 10 आपको मिलेंगे कि वो प्रीवियस ईयर से ही कहीं ना कहीं तो क्लू उनका मिल ही जाएगा। तो आपके लिए प्रीवियस ईयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार कहना चाहता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर्स पर बहुत अच्छे से फोकस करें। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन एंड आप फोकस्ड रहो, आप अपनी स्ट्रेटेजी के ही साथ प्रिपेयर करो, देन यू विल डेफिनेटली एबल टू क्लियर दिस एग्जाम दिस टाइम। थैंक यू। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे।